अब बनाते हैं एक पिज्जा। पिज्जा के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और साउथ इंडियन स्नैक से पिज्जा बनाना है तो उसके लिए कुछ टॉपिंग्स मेरे पास हैं। कॉर्न के दाने, मकई के दाने पके हुए, ये ले लें, और उसके साथ साथ ऑलिव्स। अच्छा, ऑलिव्स जो हैं स्टफ्ड ऑलिव्स हैं मेरे पास, तो ये स्टफ्ड ऑलिव्स को थोड़ा काट लेते हैं, ये देखिए। और इसके लिए एक टमाटर की सॉस, इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, टमाटर को तेल में थोड़ा प्याज के साथ में पकाना है, नमक, काली मिर्च, बस चाहिए तो थोड़ी सी चीनी, अगर टमाटर बहुत खट्टे हैं तो। और उसके बाद उसको पीस लें, प्याज लहसुन काटते हैं, थोड़ा लहसुन, तेल में पकाया, टमाटर पकाए, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी, और उसके बाद में पकने के बाद में का सब ब्लेंड कर लिया, ये हो गया। और बेजिल लीव्स, ये देखते हैं कहाँ पे डालनी है हमें। तो चलिए अब क्या करना है, अब बनाएंगे पिज्ज़ा का बेस। और ये जो पिज्ज़ा का बेस है ये आप बनाएं चावल, भीगे हुए चावल, हो सके तो पारबॉयल राइस लें, उसके साथ उड़द दाल भीगी हुई, इसे आप दोनों को पीस लें, और पीसने के बाद फर्मेंट करना है। जी हाँ, ये देखिए, और दो भाग चावल के एक भाग उड़द दाल का भिगो के पानी डाल के पीस लें, गाढ़ा गाढ़ा, ये जो बैटर है फर्मेंट होने के लिए रख दें। और इसकी जो फर्मेंटेशन है ये आप करीब करें कम से कम 6 घंटे, ओवरनाइट रख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें नमक, और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है हमने। और अब ये हमारा पिज्ज़ा का बेस, और अब तवे को हल्का गरम करना है, ये थोड़ा सा तेल। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब आप डोसा उत्तपम बना रहे हो तो जो तवा है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, और ये जो है थोड़ा मोटा रखना है हमने बेस इसका, ये देखिए। अब इसको पकने देते हैं ढक्कन लगाकर, और ये जो बेजिल की पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ये थोड़ी छोटी छोटी, अब थोड़ा सा तेल, और इसके बाद ये जो हमारे पास है ये लेते हैं और इसको कर दिया इसके साथ, ये देखिए, और इसकी जो आंच है ये कर दें आप धीमे। ये डाली आपने टोमेटो की सॉस, उसके ऊपर ये कॉर्न थोड़े, ये देखिए, इस पे कुछ ऑलिव्स, हरी पत्तियां बेजिल की, और इसके ऊपर डालें मोज़रेला चीज़, ये मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके, यहाँ पिज्ज़ा में बड़ा अच्छा रहता है तो वही इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। और अब एक बार फिर थोड़े से ये दाने, ज़्यादा नहीं, इसी तरह से ये ऑलिव्स भी, कुछ ऑलिव्स और कुछ पत्तियाँ, ये इसके ऊपर। तो अब इसे पकने दें जब तक ये जो चीज़ है ऊपर से मेल्ट ना हो जाए।